आ को हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6th चैप्टर था उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अगर वैल्यू दे रखी हो। हमने ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका ये अपना सेकंड वीडियो है। कौन सा वीडियो? सेकंड। इससे पहले हमने टेबल बनाने सीखी, अब आज हम इसमें क्या सीख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हमने क्वेश्चन दिया है cos 45 upon sec 30 plus 4 sec 30 कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करो क्या आंसर आएगा। हम देखते हैं, सबसे पहले हमें टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल लर्न होगी तो हम आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं cos 45 की आपको वैल्यू लर्न नहीं तो आपको sin 45 की वैल्यू तो लर्न है। आपको पता है sin जो 0 की वैल्यू वो cos 90, sin 30 cos 60, sin 45 का cos 45 की वैल्यू इक्वल होती है। तो हम लिख देते हैं cos 45 की वैल्यू होती है 1 upon root 2 वैल्यू होती है, याद रखनी। फिर आते हैं हम upon में sec 30। अगर आपको sec 30 की वैल्यू लर्न नहीं है तो cos 30 की वैल्यू लर्न रखो। sec 30 की वैल्यू लर्न नहीं है तो किसकी वैल्यू लर्न रखनी है? cos 30। cos 30 होती है तो 3 upon 2 होती है, उसका उल्टा करेंगे। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी है? cos 30 की, इसको हम उल्टा लिखेंगे। ये हो गया cos का उल्टा sec 30। अब देखते हैं हम cos 30, cos 30 की लर्न दी है sin की लर्न होती है। sin की लर्न होती है 1/2, तो cos क्या था उल्टा, तो उल्टा कर दिया 2/1। हमने क्या किया cos 45 तो cos 45 की वैल्यू ली, sec 30, sec 30 की वैल्यू होती है अपने पास 2/√3, और cos 30 तो cos 30 की वैल्यू होती है 2/1, ये वैल्यू ली थी। अब हम देखते हैं कि अपॉन वाले नंबर का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है प्लस, ऊपर एक सिंगल टर्म है तो ऐसे कैसे रह जाएगी 1/√2 अपॉन वाला रहता है। अपॉन में रूट थ्री और वन, इसका एलसीएम आएगा रूट थ्री को रूट थ्री से डिवाइड किया अपना आंसर आएगा वन। मैंने क्या किया रूट थ्री और वन का एलसीएम लिया है, रूट थ्री और वन का एलसीएम आया रूट थ्री, रूट थ्री को रूट थ्री से डिवाइड किया तो वन, वन का टू से मल्टीप्लाई किया तो टू, प्लस रूट थ्री को वन से डिवाइड करूंगा तो रूट थ्री ही आएगा। रूट थ्री को मैं वन से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? रूट थ्री ही आएगा, ध्यान रखना। तो रूट थ्री को वन से डिवाइड किया तो रूट थ्री है, रूट थ्री का टू से किया तो रूट थ्री आ गया। अब टू प्लस टू रूट थ्री, अब इसको कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं फोर रूट थ्री देते हैं, टू और कितना होता है फोर रूट थ्री, नो दिस इज रॉन्ग। क्यों? तो अब इसके पीछे क्या है रूट थ्री और ये बिना रूट थ्री का है तो एड नहीं होता। आपको पता ही है कि 5x plus 1 6x नहीं होता, ये ऐड नहीं होता, तो वही इस केस में होना है, ये रूट थ्री वाला है बिना रूट थ्री का ऐड नहीं होगा। अब अपॉन के अपॉन में होता था आपको पता है कि हम क्या लिखते थे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो, जैसे 1/√2 है 1/√2 लिख दिया, फिर हम क्या लगा देते हैं मल्टीप्लाई में लिखते हैं, हम मल्टीप्लाई लगा दिया, इसको क्या करते हैं उल्टा लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं उल्टा रूट थ्री 2 + 2। अब देखो ऊपर ऊपर आया रूट थ्री और वन, रूट थ्री और वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट थ्री। अपॉन में देखो रूट टू है, रूट टू का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, रूट टू का अगर मैं टू से करूं तो क्या आएगा 2√2, और रूट टू का 2√3 से करूंगा तो 2√6 आएगा। पहले मैंने रूट टू का 2 से किया तो 2 और ये रूट टू तो 2√2, फिर 2√3 का रूट टू से किया तो ये 2 तो बाहर रहेगा ऐसे कैसे, अब रूट थ्री और रूट टू मल्टीप्लाई हुए रूट थ्री इंटू रूट टू क्या हो गया रूट सिक्स हो गया है हमारे पास में। इसको लिख देते हैं हम वापस रूट थ्री, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से आप एक तरह से देखिए बड़ा भाग रूट सिक्स से बड़े वाले भाग ले लेते हैं। ये क्या किया मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा रूट टू, यहाँ क्या बचा सिक्स रूट सिक्स, तो रूट सिक्स आगे
लिख दिया, उनको पीछे लिख दिया। अब आंसर द प्रीवियस मोड्स हमने 9th क्लास में रेशलाइज करना सीखा है, अब हम इसको करेंगे रेशलाइज। रेशलाइज कैसे करते हैं वापस देख लेते हैं। रेशलाइज कैसे करते हैं, यहां पर जो डिनोमिनेटर होता है रेशलाइज, पहले तो ये पता होना चाहिए रेशलाइज क्यों किया जाता है। रेशलाइज इसलिए करते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है उसका डिनोमिनेटर रूट में नहीं होता, रूट का मतलब इरेशनल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम रेशलाइज करते हैं। रेशलाइज के लिए क्या करते हैं, यहां पर जो नंबर दे रखे टर्म दे रखे उनके बीच में जो साइन है उसका ऑपोजिट साइड लेना है। यहां पर क्या है प्लस है, हमें क्या लेना है इसका उल्टा, क्या होता है प्लस का माइनस, माइनस लेना है यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना है √6 माइनस √2 और √6 माइनस √2। और माइनस से क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये क्या हो जाए कि a plus b a minus b आइडेंटिटी बन जाए। हमें पता है कि a plus b a minus b की आइडेंटिटी क्या होती है, a plus b और a minus b की आइडेंटिटी हमें पता है a square minus b square होता है, रूट वाला नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम रेशलाइज करते हैं ऑपोजिट साइन से ताकि नीचे वाला नंबर में a square minus b square आइडेंटिटी यूज हो। ऊपर वाला ऐसे कैसे लिख दो आप, नीचे वाला 2 है, अब देखो a plus b a minus b, a plus b a minus b, a square minus b square, a square यानी root 6 का square minus b square यानी root 2 का square, ये हो गया। अब ऊपर इंग्लिश ऐसे लिख दो root 6 minus root 2 upon रूट सिक्स का स्क्वायर। अब हमें पता है कोई भी रूट का नंबर होता है ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, रूट हट जाता है, तो टू का टू, रूट सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिक्स, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू, सिक्स माइनस टू क्या होता है फोर, फोर टू जा एट, और न्यूमरेटर लिख दो रूट थ्री, रूट सिक्स माइनस रूट टू। अगर सर में इस तरीके से आपको, अब इसको आगे आप भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अपना लास्ट आंसर हमें यहीं तक लिखना है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, cos 45, cos 45 की वैल्यू 1 upon root 2, sec 30 तो sec 30 की, cos 30 तो cos 30 की वैल्यू लिख दी, और 1 upon root 2 को 1 upon root 2, इसका डिनोमिनेटर root 3, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो दोनों का एलसीएम लेते हैं root 3 और 1 का, तो root 3 आया, रूट थ्री को रूट थ्री से डिवाइड किया, इससे ये कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचेगा, वन ही बचेगा, वन, वन का टू से करेंगे तो टू, फिर रूट थ्री को वन से डिवाइड करेंगे तो रूट थ्री आएगा, रूट थ्री का टू से क्या तो टू रूट थ्री। अब अपॉन के अपॉन में जब भी नंबर होते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं, बट जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर होता है, नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, ये जो है इसको उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ऊपर बचा वन इंटू रूट थ्री तो रूट थ्री, नीचे बचा रूट टू और टू प्लस टू रूट थ्री, रूट टू और टू प्लस रूट थ्री, रूट टू का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट टू का टू से कह दो टू रूट टू, प्लस रूट टू का टू रूट थ्री से कह दो टू रूट थ्री इंटू रूट टू, ये देखो टू रूट थ्री इंटू रूट टू, टू का टू आ जाएगा रूट थ्री इंटू रूट टू क्या हो जाएगा रूट सिक्स, रूट कैंसिल हो जाए। अब देखो यहाँ पर टू कॉमन आ, टू कॉमन ले लेते हैं, ये टू कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, यहाँ पीछे बच गया रूट टू और यहाँ बच गया रूट सिक्स, हम बड़े को आगे लिखते हैं ताकि क्या होगा, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी है, छोटे वाले में से बड़े वाला नंबर माइनस होगा नहीं, इसके बड़े को आगे रखा, अब ये यहाँ पर प्लस है इसलिए हम नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस को होता तो नंबर ऐसे रहता, अगर यहाँ पर होता रूट टू माइनस टू रूट सिक्स तो मैं रूट टू का रूट टू ही लिखता, रूट सिक्स लिखता, माइनस लगाता, प्लस का है तो नंबर हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट थ्री का रूट थ्री, टू का टू रूट सिक्स प्लस रूट टू। अब रेशलाइज करते हैं, मैंने बताया कि यहाँ पर जो साइन होता है उसको ऑपोजिट साइन लेते हैं, क्यों लेते हैं ताकि ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाए, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट सिक्स प्लस रूट टू का ले लिया, रूट सिक्स माइनस रूट टू रूट सिक्स माइनस रूट टू, अब रूट थ्री का इसे मल्टीप्लाई करने वाला सेम ही आएगा, टू का टू रूट सिक्स प्लस रूट टू रूट सिक्स माइनस रूट टू, a plus b a minus b, तो a square minus b square, root 6 का square क्या दो, root 6 का square minus का minus root 2 का square कर दिया,
अब रूट थ्री का रूट थ्री, रूट सिक्स माइनस रूट टू, और टू का टू, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, रूट टू का स्क्वायर टू, सिक्स माइनस टू हो गया अपने फोर, फोर टू जा एट, और न्यूमरेटर ऐसे ऐसे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट तो अपना टाइप के क्वेश्चन थे कि सिंपल जो वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू में उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पुट करनी है टेबल से और उसको सॉल्व करना है। अब हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर में और अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, कहीं एक्स की वैल्यू निकालने या कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम